हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 8 मेहनत हमने रीड किया था। उसकी हमने बैक एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फर्स्ट है, रानी उदास क्यों हो गई। चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक लड़की थी रानी और वह एक दिन बहुत उदास होती है। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमें पता होगा कि वह उदास क्यों हो जाती है। क्योंकि वह स्कूल में होने वाली खेल प्रतियोगिता की फाइनल रिहर्सल में चौथे स्थान पर आई थी। अब उसके स्कूल में खेल प्रतियोगिता होनी थी, इसमें फाइनल रिहर्सल में वह फोर्थ स्थान पे आई थी, इसके लिए वह बहुत उदास थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया। क्या दिखाया दादी माँ ने उसे आंगन में? दादी माँ ने उसे दिखाया कि कुछ चींटियाँ अपने बिल से बाहर आकर एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में लेकर वापस अपने बिल में आ रही थी। उन्होंने दिखाया उसे कि बिल्कुल छोटे छोटे चींटियाँ हैं जो अपने बिल से बाहर आती हैं, और कितने दूर एक रोटी का टुकड़ा होता है उसे अपने मुंह में, छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में लेकर वापस अपने बिल में जा रही होती हैं। ठीक है, आगे है, दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया। दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद कर दिया था। चींटियाँ किस प्रकार चल रही थी, किस प्रकार चलती हैं चींटियाँ, हम अक्सर घरों में भी देखते रहते हैं। चींटियाँ कतार बनाकर चल रही थी, मतलब चींटियाँ हमेशा लाइन में ही चलती हैं। ठीक है, आगे है, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली। रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि अगर हम भी बिना रुके बिना थके अपनी मेहनत जारी रखें तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है अगर हम बिना रुके बिना थके अपनी मेहनत जारी रखें। चींटियों की तरह ना वो थकती हैं ना रुकती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।